गाइस तो ये देखिए परी स्कूल से आ गई। स्कूल से आने के बाद पैर हाथ धुलने के बाद ये देखिए अब परी अपने भाई को खिला रही है और कर रही है प्यार। ये किसका भाई है बिट्टू बताओ सबको? मेरा। क्या नाम है तुम्हारे भाई का बताओ? सुजान। सुजान। और इसको घर में प्यार से क्या बोलते हैं? बेटा मम्मा हॉस्पिटल चले गई थी तो मन लगता था ना। बाबू का याद आता है? और सुबह में कैसे रो रही थी कि मम्मा हम स्कूल जाएंगे तो मेरा बाबू का याद आएगा। हमको रोने से विचार नहीं हो रहा था, लेकिन हम कंट्रोल करके रहते थे। ओह कंट्रोल नहीं, मतलब रोना बहुत आ रहा था। मम्मी का थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे। बाबू को बताओ कि बाबू तुम्हारे याद में रोते हैं स्कूल में। पपड़ी इतना प्यार, इतना प्यार अपने भाई को। तेरे भाई भी तेरे से बहुत प्यार करता है। तू प्यार करती है तो आँख खोल खोल के देखता है तुमको। अब भाई का फूल कैसा लगता है बेटा? अब ज्यादा नहीं बोल दो। कान में इसको बोल रही है कुछ कुछ। सोता तो भगवान जी इसको दिखता है। हाँ हमको भूत वाला काहे देता है? तुम बड़ी हो गई ना, तुम भी भगवान जी का नाम लेके सोना, प्रणाम करके सोना तो तुमको भी भगवान जी ही दिखेंगे। तो ठीक है गाइस, परी शाम में होमवर्क बनाएगी। वेलकम बैक टू माई चैनल सोनू डॉली ब्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो गाइज ऐसा हुआ था कि अचानक 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो मतलब डॉक्टर बोले कि बच्चा उल्टा है, आपको सी सेक्शन करवाना पड़ेगा डिले पे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। और उसके बाद तुरंत वो 2-4 दिन के बाद ही हमारा मतलब बाबू आ गया। और फिर हम हॉस्पिटल में थे, फिर घर आए तो मतलब मेरा तबीयत ठीक नहीं रहने लगा था तो नहीं कर पाया। अब 20 डेज आफ्टर कंप्लीट हो गया और हम भी ठीक है, बाबू भी एकदम बिल्कुल ठीक है। तो गाइस ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ जैसे आप लोग पहले प्यार सपोर्ट करते थे वैसे ही दीजिएगा। और पढ़ी भी आज काफ़ी दिनों के बाद स्कूल गई है तो आज उसको बहुत ज़्यादा रो रही थी। कह रही थी मुझे स्कूल में भाई का याद आएगा। हम बोले कोई नहीं, तुम्हारे भाई को लेके जाएगा, तुम जाओ स्कूल, आना तो खिला तो मम्मा तुम मुझे ले आना। उसको बहुत ज़्यादा समझा कि मम्मा का पेट में घाव है तो कैसे आ सकती है मम्मा, तो उसके पापा जाएंगे चलाने के लिए। बस उसका आने का टाइम हो ही गया है और हम थोड़ा सा नहा धोवा करके नाश्ता वगैरह करके रेडी हो गए और दिखाते हैं। बाबू को भी हम रेडी कर दिए और वो अभी सो रहा है। देखिए गाइस बाबू को रेडी कर दिए थे, तेल वगैरह लगा के काजल पाउडर लगा दिए और ये दूध पी लिया और उसके बाद ये सो गया है। और ये वाला गाइस पहना था बाबू तो परी भी बहुत ज़्यादा जिद करने लगी थी तो उसको भी हम एक एक पहना दिया था। और कैसा है हमारा बाबू प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जब अब परी आएगी स्कूल से तो आप लोग से मिलते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। गाइस तो ये देखिए परी स्कूल से आ गई। स्कूल से आने के बाद पैर हाथ धुलने के बाद ये देखिए अब परी अपने भाई को खिला रही है और कर रही है प्यार। ये किसका भाई है बिट्टू बताओ सबको? मेरा। क्या नाम है तुम्हारे भाई का बताओ? सुजान। सुजान। और इसको घर में प्यार से क्या बोलते हैं? लड्डू। बेटा मम्मा हॉस्पिटल चले गई थी तो मन लगता था ना। बाबू का याद आता है? और सुबह में कैसे रो रही थी कि मम्मा हम स्कूल जाएंगे तो मेरा बाबू का याद आएगा? हमको रोने से विचार नहीं हो रहा था, लेकिन कंट्रोल करके रहते हो थे। ओह कंट्रोल नहीं, मतलब रोना बहुत आ रहा था। मम्मी का थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे। बाबू को बताओ कि बाबू तुम्हारे याद में रोते हैं स्कूल में।
और तुम गई थी स्कूल ना बेटा, तो कोई मांगने आया था। कौन था? कह साधु बाबा की बच्चा है तुम्हारे घर में, दे दो हम खिलाएंगे उसको। सच्ची में? तब का बोली कब भागो, बड़ी का बाबू है हम नहीं देंगे। मम्मी क्या हमारे यहाँ दोनों सच्ची में है? वो केक है दादा सुबह लगी। अच्छा भाई को कितना प्यार करती हो बेटा? वो खिलौना छोटू सा होता है ना बेटा, और इतना प्यार, इतना प्यार अपने भाई को। तेरे भाई भी तेरे से बहुत प्यार करता है, तू प्यार करती हो तो आँख खोल खोल के देखता है तुमको। अब भाई का फूल कैसा लगता है बेटा? अब ज़्यादा नहीं बोल दो। कान में उसको बोल रही है कुछ कुछ। तुम बड़ी हो गई ना, तुम भी भगवान जी का नाम लेके सोना, प्रणाम करके सोना, तो तुमको भी भगवान जी ही दिखेंगे। तो ठीक है गाइस, परी शाम में होमवर्क बनाएगी, उस समय मिलते हैं। आज बहुत दिन के बाद परी गई है स्कूल पढ़ने, तो देखते हैं इसको क्या क्या मिला है ना बेटा। अच्छा ठीक है, सो रहा शाम का टाइम तो आप शुरू। गुड इवनिंग, और अभी हम करवा रहे हैं परी का होमवर्क, क्योंकि अभी तो हम घर का काम सब करते नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ करते हैं। तो अभी मेरा ड्यूटी रहता है अपने बच्चे को संभालना, और बाकी तो ये देखिए मेरा लड्डू गोपाल एक सोया हुआ है, और यहीं बगल में परी होमवर्क बना रही है। चोटी कर दिए थे शाम में, उधर अंधेरा हो गया है, जल गया सब जगह, और यहाँ परी बना रही है। इसको अब बड़ी एबीसीडी आ गया है, तो इसको छोटी एबीसीडी मिल रही है, तो PQRST। परी ये देख बेटा, बताओ कैसा लगता है तुमको स्कूल जाना? आज परी बहुत दिनों के बाद, जब मम्मा हॉस्पिटल हो गए थे तब से ये नहीं जा रही थी, और अब हम मतलब थोड़ा ठीक ठाक हो गए, तो ये अब इसको रेडी कर देते, तो ये जाना है। और आज कुछ गई थी ना मार्केट, तो अपने पापा से खरीदवाई थी, देखिए ये पेंसिल का सेट पूरा, मतलब किट ही खरीदवाई थी। उसमें एक रबड़ शार्पनर, ये दो तरह का कलर, एक पेंसिल कलर, और ये क्या होता है, मोम वाला कैरियंस है, और ये क्या बोलते हैं शार्पनर, और इसमें है एक स्केल, और ये स्केच कलर, और इरेजर कहाँ बेटा? मिटाने वाला, और ये रहा इसका इरेजर। इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसमें डोम्स न्यून इरेजर, और ये देखेगा इस मेरा लड्डू बेटा अभी सोया हुआ और मुंह से निकाल रहा है। अच्छा है, और इसका डी है मस्त, इसको रात में एकदम बिल्कुल उस गाने पे बैठता है, सारा दिन सोए फुल नाइट ये जागे, तो ये 12 बजे के बाद से ये जगता है और दिन में सोता है, तो मतलब थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि रात में जगना, बाकी सब ठीक ठाक है। और ये देखिए मेरी बेटी कुछ आज कुछ बनाई है, तो ये देखिए इंजेक्शन और ये गम्स, इसका डायरी फट गया था तो फेविकॉल मंगवाए, ये अपना भी कारीगरी करने लगी है ना बेटा। चलो आज हिंदी में मिला था तालाब विश, वो भी लिख के कंप्लीट कर ली है, और इसके पापा जिसके लिए लाने वाले हैं मंचूरियन, तो इस पर ही खाएगी मंचूरियन पराठा, तो दिखाएंगे आपको बना। ये है ना, ये आपको दिखेगा, इसमें ये राम से चिपका रहेगा। अच्छा ठीक, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। ठीक, अभी चिपकाऊंगी, जब मैं होमवर्क बना लूंगी तब मैं इसको चिपकाऊंगी। ओके, तो चिपकाएगी उस समय मिलते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। और मेरे लड्डू को लगता है काफ़ी ज़्यादा गर्मी, तो ये देखिए ऐसे ही खुला खुला सोता है, बगल में सो रहा है, इधर मेरी बिटिया रानी होमवर्क कंप्लीट कर रही है। अभी पढ़िए, पढ़िएगा।
वाला ना ये दिखा बोल दो गाइस, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं ये दिखा रहा था एक तो बताओ ना, बोलो ना बेटा, लाइक कर दीजिएगा और पहले जैसे प्यार देते थे वैसे ही प्यार दीजिएगा। अरे सब हाथ गुड मॉर्निंग करो। कल रात में होमवर्क बना के पढ़ी, तुरंत सो गई थी और हम तैयार कर दिए स्कूल जाने के लिए। दादी टिफिन बना दी और पढ़ी जा रही है स्कूल, है ना बेटा। चलो बाय बिट्टू। हाँ सब दोस्त है, बाय बाय कर दो। लड्डुआ को भी बाय कर दो। हाँ ये तो खुल गई हो दादी के पास ही। बाय टाटा। ये सुबह रात में खाना पीना खाने के बाद हम लोग सो गए थे और वो छोटा रात भर बहुत जगा था, तो आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो परी चली गई स्कूल, तब हम जा रहे थोड़ा कोशिश कर लेने। तो इस ब्लॉग को कर देते हैं ये पेंट, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में कमेंट शेयर। थैंक यू।